नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के लोया महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एबीएसटी एसोसिएट प्रोफेसर इन एबीएसटी स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पीछे के व्याख्यान में हमने अधिकतमीकरण की एक प्रॉब्लम ली थी जिसमें लाभ को अधिकतम करना था। उस प्रॉब्लम के सभी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू वाले होते थे। आज की समस्या में हम एक ऐसी समस्या लेंगे जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और जिसके सभी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाले होंगे। अंतर ध्यान रखना, पहले वाली हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो मैक्सिमाइजेशन जेड वाली थी, यानी लाभ को अधिकतम करने के लिए थी और उसके सभी कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू वाले थे। आज वाली इस प्रॉब्लम को जब हम ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन वाली होगी और जिसके सभी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाले होंगे। अब जब ये काम जब हम करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़ें तो समान रहेंगी, हमें वो ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें तो सेम रहेंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी, थोड़ा सा चेंज होगा, वो बातें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए यहाँ पर जो मुख्य परिवर्तन है वो ये आएगा कि पिछले जब अधिकतमीकरण के सवाल में जिसमें लेस देन इक्वल टू के कॉन्स्टेंट्स होते थे तो उनको समता में बदलने के लिए हम S1 S2 को प्लस करते थे, समता में बदलते थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में S1 S2 जोड़ देते थे तो इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो जाती थी, प्रतिबंध इक्वेशन बन जाते थे, असमता प्रतिबंध इक्वेशन के रूप में आ जाते थे। यहाँ पर चूंकि ग्रेटर देन का साइन है तो आपको S1 और S2 माइनस करना पड़ेगा तब वो इक्वेशन के रूप में फॉर्म होगा। तो पहला काम तो आपको अंतर है वो ये करना है कि माइनस एस वन माइनस एस टू और यदि तीन प्रतिबंध तो माइनस एस थ्री आप करेंगे तो वो इक्वेशन के रूप में बन जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि प्रत्येक जो प्रतिबंध है उसमें से हमें एक ऐसा वेरिएबल नहीं मिलेगा जिसको प्रोग्राम वेरिएबल में इंक्लूड हम करें और जिसका वैल्यू गुणक जो है वो प्लस वन हो और जो दूसरे किसी भी प्रतिबंध में नहीं हो। ये हमारी एक शर्त है कि हम प्रोग्राम वेरिएबल में केवल धनात्मक चर वाले ऐसे चर को ही सम्मिलित कर सकते हैं जिसका पॉजिटिव वन उसका गुणक हो और जो चर किसी दूसरे प्रतिबंध में नहीं हो। इस कंडीशन को हम नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन कहते हैं और ये कंडीशन जब पूरी नहीं होती है इसलिए हम प्रत्येक प्रतिबंध में काल्पनिक चर ए वन दूसरे में ए टू तीन है तो ए थ्री जोड़ देते हैं। इससे हमें प्रोग्राम वेरिएबल के लिए ए वन ए टू ए थ्री मिल जाते हैं और हमारी शर्त पूरी हो जाती है। तो दूसरा परिवर्तन ये आया कि हम माइनस एस वन माइनस एस टू के साथ साथ हम प्लस ए वन और प्लस ए टू भी प्रत्येक प्रतिबंध में करेंगे। अब हमारे सामने क्या हुआ कि हमारे सामने नए चर आ गए एस वन एस टू स्लैक वेरिएबल के रूप में, काल्पनिक चर के रूप में हमारे सामने आए एज्यूम्ड वेरिएबल यानी ए वन ए टू। हम इन सभी वेरिएबल्स को इनका जो प्रति इकाई लाभ जो लागत है वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस करेंगे। तो ए वन एस वन और एस टू की तो प्रति इकाई लागत जीरो ही होती है इसलिए प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू हो जाएगी। ध्यान ये रहे वहां हमने माइनस एस वन एस टू किया था लेकिन यहां पर तो आपको प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू ही लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और जो एज्यूम्ड वेरिएबल्स हैं उनका प्रति इकाई जो लागत है वो एम होती है, एम का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या, इसलिए प्लस एम ए वन प्लस एम ए टू हम लिखते हैं। तो ये एक अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। अज्यूम्ड वाला वो तभी होता है जबकि कोई ग्रेटर देन इक्वल टू के प्रतिबंध हो। तो इसके बाद में बाकी कुछ चीजें जो हैं वो अपन को आगे के प्रॉब्लम जब लेंगे उसमें पता लग जाएगा। हमने एक जो बेसिक और डिफरेंस है वो ये होता है कि जब हमने मैक्सिमाइजी की प्रॉब्लम में हम एन ई आर जो निकालते थे वो वैसे ही इसमें भी वैसे ही निकालेंगे एन ई आर, तो लेकिन हमारी जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन देने वाली टेबल वो टेबल होती थी जिस टेबल की एन ई आर पंक्ति की सभी प्रविष्टियां शून्य या ऋणात्मक आ जाती थी तो हमारा वो सॉल्यूशन फाइनल होता था। यहाँ पर वो टेबल सॉल्यूशन देगी जिसकी सभी प्रविष्टियां शून्य या धनात्मक आ जाएं, वो टेबल हमारा अनुकूलतम सॉल्यूशन देगी। तो ये एक बड़ा बेसिक फर्क है जो कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम और मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम का होता है। अब क्या होगा कि जब किसी मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम में जब वैल्यू ऋणात्मक होगी तो हमें आगे चलना होगा तो हमें की कॉलम का चुनाव करना पड़ेगा।
हम की कॉलम, वो की कॉलम मानेंगे जिस कॉलम की एंट्री सबसे बड़ी ऋणात्मक होगी। वहां सबसे बड़ी धनात्मक लेते थे, सबसे बड़ी ऋणात्मक लेंगे। उसके बाद में फिर बात वही, सारी बात वही हो जाती है, की कॉलम की एंट्री का भाग क्यू में देंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो जो सबसे छोटा आएगा, यहाँ अंतर नहीं है, यहाँ बड़े वाला नहीं है, उल्टा काम नहीं है, यहाँ पर वही बात है कि सबसे छोटा रेशियो जो होगा वो की रो होगी, और उस रो को हम आउटगोइंग करेंगे, की कॉलम को इनकमिंग करेंगे, और आगे की सेम प्रक्रिया उसी तरीके से अन्य एंट्रीज को निकालने की रहेगी। तो एक एन ई आर वाला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है जो कि अंतर वाला है, बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। एक प्रॉब्लम आपके सामने है, मिनिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू 600x1 + 400x2, ये आपके सामने प्रॉब्लम दी है। बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी जो प्रतिबंध है उसमें -S1 -S2 -S3 कर देंगे तो ये बराबर बन जाएंगे। देखिए हमने बराबर बना दिया ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम माइनस का एक्सप्रेशन करेंगे तब वो इक्वल होएंगी, क्योंकि साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का था, इट मीन्स लेफ्ट वाली चीज बड़ी है, तो छोटी करने के लिए माइनस एक्सप्रेशन घटा दिया। लेकिन इससे वो कंडीशन हमारी खराब हो गई, कौन सी, प्लस वन पॉजिटिव वाला, जब प्लस एक्सप्रेशन प्लस S2 होता था तब तो S1 S2 मिल जाते थे, यहाँ पर हमने नहीं मिले तो हमने काल्पनिक चर जोड़ दिए इनमें, A1 A2 A3 को जोड़ दिया। अब ये जोड़ने से हमारे को प्रोग्राम वेरिएबल में A1 A2 A3 हमारे को प्रोग्राम वेरिएबल मिल जाएंगे, और फिर हम उसी तरीके से सवाल को आगे हल कर लेंगे। इनके जो प्रति इकाई जो लागतें हैं वो हमने जोड़ दी, S1 S2 S3 की तो +0 S1 +0 S2 +0 S3 जोड़ दी। A1 A2 A3 की प्रति इकाई जो लागत होती है वो बहुत बड़ी संख्या, जिसको हम M कहते हैं, M से व्यक्त करते हैं, तो +MA1 MA2 MA3 तीन चर जोड़े, तीनों चरों की लागत को जोड़ दिया MA1 MA2। ध्यान रहे A1 A2 A3 की जो प्रति इकाई लागतें हैं वो बहुत बड़ी संख्या M मानी जाती है, तो MA1 MA2 MA3 हो गया। इसके बाद में हमने पूरी इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लिख दिया, और इनके कॉन्स्टेंट्स को जो कि समता के रूप में बदल गए इनको भी हमने लिख दिया। इसके बाद में हमारी टेबल फर्स्ट बनेगी, ये टेबल बिल्कुल फर्स्ट को जब आपको टेबल को उतारना है तो उसी तरीके से आपको नियम ध्यान में रखने हैं कि हम पहले तो ऊपर फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट सेम बनेगा, प्रोग्राम वेरिएबल कंट्रीब्यूशन क्यू, और ये पूरी की पूरी जो है आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सभी वेरिएबल्स को हमने उतार दिया, और ऊपर वाला जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमने जितने भी वेरिएबल हैं उनका नीचे पर यूनिट कॉस्ट भी उसमें हमने उतार दी, जैसे 600 400 000 MMM, तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतर गई। इसके बाद में तीन कॉलम हम वर्टिकल भर देंगे, प्रोग्राम वेरिएबल A1 A2 A3 हो जाएगा, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी है, MMM है, इनकी क्वान्टिटी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो लिख दी। अब आगे वाली जो है ये हमारे प्रतिबंध, हमने ऐसे कैसे इनके एक गुणक उतारने हैं हमने को, जैसे इसको हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, तो जैसे पहले वाले जो प्रतिबंध था 3x1 + x2, तो ये सीधा 3 1 -1 0 0 1 0 0 ये उतार दिया, फिर दूसरे का भी उतार दिया, इसी तरीके से तीसरे का भी उतार दिया। तो ये सारे जो पूरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमने टेबल के भीतर उतार दिए इनकी वैल्यू। तो ऐसा ही हम वहाँ करते थे मैक्सिमाइजी में, जैसा करते थे वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पर किया है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें A1, A2, A3 को प्रोग्राम वेरिएबल में फर्स्ट टेबल में उतारना है। और इसके बाद हम NER का कैलकुलेशन भी बिल्कुल उसी नियम के अनुसार करेंगे। NER का कैलकुलेशन हमें केवल वेरिएबल्स का करना है, वेरिएबल वाले कॉलम का करना है, यानी क्यू तक नहीं करना, X1 से शुरू करना है और A3 तक करना है। कैसे करेंगे, X1 का वही 3 से जैसे M से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को M से कर दिया, 1 को M से कर दिया, और इस तरीके से 3 4 5 M हो गए, 600 में से 5 माइनस 5 M, हम कभी भी 600 में से 5 को घटा नहीं सकते क्योंकि 5 के साथ M लगा हुआ है, इसलिए 600 पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 600 - 5 M, 400 - 5 M, और फिर ये M, फिर M, M, 0 0 0, इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा। ये 0 + M लिख दिया है यहाँ पर, इसको M लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आए वो अपने को पता है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है,
क्योंकि और ये चीज़ नहीं भूल जाएं कि ऊपर 600 पहले लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों का प्लस किया, फिर 600 मेरे से माइनस किया, फिर 400 में से माइनस किया, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया। ये प्रक्रिया आपने है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी ऊपर वाले में से माइनस कर रहे हैं तो आगे वाला ब्रैकेट में लिखे। ये करने पर हमारा NER का वैल्यू आ गई, और NER की वैल्यू जो है वो हमारी इसमें ऋणात्मक आ रही है, क्योंकि हमें ये अंतर ध्यान रखना है कि जब तक NER की सभी प्रविष्टियां शून्य या धनात्मक नहीं आ जाती तब तक हमें टेबल आगे बनानी पड़ेगी। इसका मतलब टेबल हमें सेकंड बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यू हमारी ऋणात्मक आ गई, X1 और X2 की। अब जो वैल्यू बड़ी ऋणात्मक है वो वैल्यू हमारी X2 आएगी, क्योंकि जैसे ये तो -5m -5m बराबर हैं, लेकिन -5m में एक में 600 माइनस करेंगे, एक में 400 माइनस करेंगे, तो बड़ा ऋणात्मक कौन सा हो जाएगा? X2 वाला ऋणात्मक बड़ा ऋणात्मक हो जाएगा। तो बड़ा ऋणात्मक को हम की कॉलम लेंगे, और की कॉलम की एंट्री का भाग जब हम रेशियो क्वांटिटी में देंगे तो रेशियो आएगा 24, 16 और 8। इस रेशियो में छोटा रेशियो 8 आया। अब यहाँ पर अपने को कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर तो छोटे वाला पॉजिटिव रेशियो ही लेते हैं, जबकि की कॉलम में हम वहाँ बड़ा धनात्मक लेते थे, यहाँ बड़ा ऋणात्मक लेते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया। अब ये A3 आपकी क्या हो गई? की रो हो गई। तो की रो को तो हम गो कर देंगे, यानी आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा नई टेबल में, तो की रो A3 तो भाग जाएगी और इसकी जगह आ जाएगा की कॉलम यानी X2। नई टेबल में A1 और A2 वेरिएबल तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, और A3 की जगह X2 वेरिएबल आ जाएगा। ये बात हमने यहां पर तय कर ली कि भाई नई टेबल में A3 की जगह X2 वेरिएबल आएगा। अब जब हम नई टेबल बनाएंगे तो बिल्कुल सारे के सारे वो के वो ही नियम होंगे कि पुरानी जो की रो है, जैसे A3 की रो है, तो इसकी टेबल की जो जितनी भी प्रविष्टियां उनमें सब में की नंबर का भाग दे देंगे। अब की नंबर कौन सा आया इसमें? की रो थी X2, की कॉलम थी था X2, की रो थी A3, दोनों जहां भिड़ते हैं वो 3 आया, 3 की नंबर हो गया। तो की कॉलम, की रो, की नंबर हमने निकाल लिए, और इसकी सहायता से हम अगली टेबल का निर्माण बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है। आज की इस पूरी प्रॉब्लम में हमने केवल प्रथम टेबल को हमने बनाना सीखा, और मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम को का एक नया गणितीय रूप हम किस प्रकार के बनाएंगे ये हमने सीखा, प्रथम टेबल बनानी सीखी। आगे की जो टेबल्स हैं वो अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।